हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन, कि नाइट टाइम में आप अपनी स्किन की केयर किस तरह से करें। देखिए, रात के टाइम पे आपको स्किन को बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है, तो क्या करें कि आपकी जो स्किन है वो बहुत ही वाइब्रेंट लगे सुबह उठें जब, और इफ़ेक्टिव लगे। तो सबसे पहले स्टेप, आप सारा दिन अपने जो फेस के साथ बाहर घूमते हो, इस पर बहुत सारे डस्ट जमती है और बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स आपके पोर्स में फंस जाते हैं, जिससे कि आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा रफ़ हो जाती है। तो ऐसा क्या करें कि आपकी स्किन पे जो है वो ग्लो रहे और अगले दिन के लिए आप अपनी स्किन को प्रिपेयर कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरी इस वीडियो के। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो स्टेप होता है रात के टाइम पे जो आपको फॉलो करना होता है, वो होता है आपका वॉश। आपको अपने फेस को अच्छे से वॉश करना है। अगर आप फेस वॉश का यूज़ करते हैं तो फेस वॉश के हेल्प से जो वॉश कीजिए अपने फेस को। अगर आप नहीं फेस वॉश या साबुन का यूज़ करते हैं तो अलग अलग तरीके होते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक हैंकी लिया है। हैंकी के साथ जो मैं अपना फेस है उसे अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। जो भी मेरे फेस पे एक्स्ट्रा डर्ट पार्टिकल्स होंगे या जो भी मैं क्रीम कर अप्लाई करूँगी, वो सारी जो है वो अच्छे से क्लीन हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप आपको ये करना है। और जब भी आप अपने फेस को क्लीन करें तो अपनी नेक को बिल्कुल भी ना भूलें। अपने फेस को क्लीन करते वक्त अपने नेक को भी क्लीन करें, क्योंकि फेस और नेक फिर अलग अलग दिखाई देती है टैनिंग टूनिंग की वजह से या किसी और डस्ट पार्टिकल्स की वजह से। तो अपने नेक को भी उसी तरह क्लीन करें जैसे कि आपने अपने फेस को क्लीन किया है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है अच्छे से अपने फेस को वॉश करना। आप वॉश कर सकते हैं, जैसे कि मैं क्लीन कर रही हूँ वैसे क्लीन कर सकते हैं, वाइप से क्लीन कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहें वैसे क्लीन कीजिए। लेकिन साफ़ पानी से अपने फेस को ज़रूर वॉश कीजिए वाइप्स करने के बाद भी। तो सेकंड स्टेप जो है ये हमारा वॉश कंप्लीट, यानी वॉश का जो स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं तो सेकंड स्टेप पे आपने क्या करना है। सेकंड स्टेप में मैंने ली है यहाँ पे एक आइस क्यूब, ठीक है। आइस क्यूब की हेल्प से आप इसको अपने फेस पे मसाज दे सकते हैं, ठीक है। आइस क्यूब ये देखिए, ये मेरे पास एक आइस क्यूब है छोटी सी। आप अपने फेस पे आइस क्यूब से मसाज दे सकते हैं। आइस क्यूब से मसाज देने से क्या होता है ना, कि आपकी जो स्किन है वो बहुत अच्छे से ग्लो करती है और आपका जो स्किन है समर के लिए तो बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा इफेक्ट देती है और ठंडक भी देती है और साथ ही साथ आपके स्किन पे एक ग्लो लेके आती है। तो आइस क्यूब की मसाज तब तक कीजिए जब तक ये क्यूब जो है वो ख़त्म नहीं हो जाती। आपने आइस क्यूब की मसाज अपने पूरे फेस पे करनी है, अपनी नेक पे करनी है, पूरे अच्छे से अपने आइस क्यूब की हेल्प से अच्छे से मसाज देनी है। आइस क्यूब की हेल्प से ये ख़त्म होने लग गई है, तो नियर अबाउट जो है ये फिनिश हो चुकी है। ये देखिए, ये हमारी आइस क्यूब। तो आइस क्यूब की मसाज देने के बाद आपने क्या करना है, अपने फेस को करना है क्लीन। सेम हैंकी की हेल्प से, टॉवल की हेल्प से, किसी की चीज़ की हेल्प से आपने अपने फेस को कर लेना है क्लीन। जो एक्स्ट्रा वाटर है वो सारा निकाल देना है। ये आपका सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप पे आपने क्या करना है, अपने फेस की मसाज देनी है। फेस की मसाज देने के लिए आप अपने हैंड्स को इस तरह से डैप डैप कर सकते हैं। इस तरह के स्टेप्स को फॉलो करने से, इस तरह से, ठीक है। और इस तरह के स्टेप्स को फॉलो करने से आपके फेस पे जो है ब्लड सर्कुलेशन चलता है। तो अपने फेस की अच्छे से सिंपली मसाज दीजिए, इस तरह से अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को दबाइए, इस तरह से। ये जो है आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो होते हैं इनको अच्छे से दबाइए। और नियर अबाउट इस, ये जो होती है ना स्लैब थेरेपी होती है, इस थेरेपी में आपकी जो फेस की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो चलती है। तो ऐसा करने से आपकी जो स्किन है, इस तरह से अपनी आइस को प्रेस कीजिए और अपने पूरे फेस को एक्यूप्रेशर कीजिए, इस तरह से। ऐसा करने से आपकी क्या होगी, स्किन ग्लो करेगी, क्योंकि आपकी स्किन में ब्लड सर्कुलेशन चलता है। तो ये जो चीज़ है वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। आप थोड़े थोड़े से हल्के हल्के हाथ से इस तरह से अपने फेस पे मसाज देनी है, तो इससे आपके फेस का ब्लड सर्कुलेशन चलेगा और आपके फेस पे ग्लो बहुत अच्छा आएगा। तो ये है हमारा नेक्स्ट स्टेप। सबसे पहले हमने वॉश किया
वॉश करने के बाद हमने आइस क्यूब का यूज़ किया, हमने मसाज दी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को, ये हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, ये वाले हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, ये वाले हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, इस चीज़ को सबको अच्छे से प्रेस कीजिए, ठीक है। और प्रेस करने के बाद ये जो चीज़ है इस चीज़ को प्रेस कीजिए, इस तरह अच्छे से इसको प्रेस कर लीजिए, तो आपके जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं वो हो जाएंगे कम्प्लीट, ठीक है। तो ये हमारा एक्यूप्रेशर। हमारा नेक्स्ट स्टेप है फोर्थ स्टेप में आप अपने फेस पे क्या लगा सकते हैं। आप अपने फेस पे फेस सीरम का यूज़ कर सकते हैं और मॉइस्चराइज़र का यूज़ कर सकते हैं या फिर एलोवेरा जेल का यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे आप उस चीज़ का यूज़ कीजिए। मैं जो प्रेफ़र करती हूँ, मैं एलोवेरा जेल को प्रेफ़र करती हूँ। तो ये सब करने के बाद आपने अपने फेस पे थोड़ी सी, बिल्कुल ज़रा सी एलोवेरा जेल लेनी है, बिल्कुल ज़रा सी माइन्यूट सी एलोवेरा जेल लेनी है और इसको बंद करके इसको अपने फेस पे अच्छे से लगा लेंगे। इसको अच्छे से अपने फेस पे मसाज देते हुए मर्ज कर देंगे। तो एलोवेरा जेल जो है आपके फेस के लिए बहुत ही अच्छी होती है और बहुत ही ग्लोइंग स्किन देती है। तो ये हमारा एलोवेरा का जो प्रोसेस है, एलोवेरा जेल का प्रोसेस है, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारा जो प्रोसेस है ये हो चुका है कंप्लीट। इस तरह से अपने फेस को दबाइए, ठीक है ना, इस तरह से। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारे लिप्स की बारी। अब हम अपने फेस को इतना प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो हम अपने लिप्स को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। तो लिप्स पे लिपस्टिक का यूज़ मत कीजिएगा, आप कीजिए लिप बाम। जो भी लिप बाम आप यूज़ करते हैं आप उस लिप बाम का यूज़ कीजिए। थोड़ी सी लिप बाम लेनी है और इसको अपने लिप्स पर लगा लीजिए अच्छे से। इससे क्या होगा, आपके जो लिप्स हैं वो फटेंगे नहीं और साथ के साथ आप सुबह उठेंगे तो बहुत ही स्किन जो होगी, स्किन भी ग्लोइंग करेगी और लिप्स भी बहुत स्मूथ। तो ये हमारे लिप्स का हो गया। नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है हमारे हेयर्स। जब हम सोने जा रहे हैं तो हेयर्स को कभी भी टाई अप करके मत सोइए। मीन्स उससे मैं ये नहीं कह रही कि ओपन करके सोइए, डैट डजंट मीन कि आप ओपन करके सोइए। मेरा मतलब है कि टाइट टाई अप करके मत सोइए। तो हेयर्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, हेयर्स के लिए आपने अपने हेयर्स को एक लूज पोनीटेल करनी है। लूज पोनीटेल कर लीजिए या फिर एक लूज ब्रेड बना लीजिए, जो भी आप चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। तो मैंने अपने हेयर्स पे एक बहुत ही लूज सी ब्रेड बनाऊंगी सिंपली, ठीक है। अपने हेयर्स को ओपन किया और सिंपली लूज सी ब्रेड बनानी है, जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं। टाइट नहीं होनी चाहिए, मैं ऑलरेडी कह रही हूँ, क्योंकि आपकी जो नींद है वो जो होती है तभी अच्छी आती है जब आप खुद कंफर्टेबल होते हैं। तो आपने क्या करना है, एक लूज सी ब्रेड प्रिपेयर करनी है लाइक दिस। बहुत ही लूज ब्रेड मैंने यहाँ पे प्रिपेयर की है और इन्हें कर दूँगी मैं रबड़ की हेल्प से टाई। तो ये जो हो गया है, ये मेरा स्टेप जो हो गया है वो हो गया कम्प्लीट। तो अब जो है इतना जो चीज़ें हैं ना, ये सफिशिएंट है आपके नाइट के टाइम के लिए। आप चाहें तो कोई पैक वगैरह भी लगा सकते हैं अपने फेस के लिए, या करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और ये जो है हम रेडी हैं सोने के लिए। तो इस तरह से आप जो है अपने नाइट टाइम की स्किन केयर कर सकते हैं। और जब सुबह उठेंगे आपकी स्किन ग्लोइंग होगी, आपके लिप्स स्मूथ होंगे, आपके हेयर्स आपके लूज़ हैं, तो आपको नींद इतनी अच्छी आएगी कि डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप ये चीज़ डेली करते हैं ना, तो आपके स्किन पे बहुत अच्छी ग्लो आती है और बहुत अच्छे इफेक्ट आते हैं। जो स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं ना, जैसे कि पिंपल निकल जाते हैं, एक्ने, पिंपल, डार्क सर्कल्स, ये सारी प्रॉब्लम्स भी आपकी रिमूव होंगी, क्योंकि रेगुलर केयर करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।